हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ अपने लाइफ का हर मोमेंट शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप कि आप सबको भी ये चीज़ें अच्छी लगती हों। तो दोस्तों, आइए हम आज एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो ब्लॉग वीडियो है मेरी बेटी के बर्थडे का। तो ये देखिए, ये मेरी पीहू यानी कि मेरी डॉटर, मेरी बेटी, वो तैयार हो रही हैं मार्केट जाने के लिए। तो हम सभी अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग के बाद मैं घर आई और उसके बाद से मैंने कल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये बर्थडे से एक दिन पहले का वीडियो है, तो मैं रात को ही सारे कपड़े प्रेस करके रख ले रही हूँ, जो भी सुबह से शाम तक सबके पहनने वाले कपड़े हैं, ताकि कल ये एक्स्ट्रा काम ना लगे। इसलिए मैं सबके कपड़े आज रात को ही प्रेस करके मैं रख दे रही हूँ, ताकि कल सुबह जब सब लोग तैयार होने के लिए उठें तो सबके पास कपड़े हों। तो ये देखिए, ये सूट जो मैं कल पहनूंगी वो भी मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो आइए, अब सुबह हो चुकी है, तो अब पीहू को जगाने चले हैं उनके छोटू भाई। तो ये इनको विश करने जा रहे हैं, पर पीहू को नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन आज उसे खुशी भी है कि आज उसका बर्थडे है, तो अच्छे मूड में उठने वाली हैं पीहू मैडम। तो ये देखिए, ये तैयार होकर के बाहर निकल रही हैं, सोकर उठी हैं ये बिल्कुल अभी, और आकर के पहले अपने पापा का आशीर्वाद ले रही हैं ये, उसके बाद से मेरा भी आशीर्वाद लिए बिना ही चली गई हैं। तो लेकिन मैं इन्हें पूरा आशीर्वाद दूँगी। तो अब पीहू जा रही हैं ब्रश करने और फ्रेश होने, तो ये ब्रश कर रही हैं, उसके बाद से ये नहाकर अब तैयार होकर के आएंगी, उसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कर रही हैं ब्रश अभी, और ये अब नहा करके आ गई हैं तैयार होने। तो अब मैं इनको तैयार करूँगी, थोड़ा सा मैं इन्हें रेडी करूँगी, इनके बाल बाल सुखा देती हूँ। आज तो इनकी सेवा बनती है पूरी तरह से, वैसे तो मैं रोज़ भी करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है क्योंकि आज स्पेशल दिन है इनका। तो ये मैंने इनके बाल सुखा दिए, इनको तैयार कर दिया, उसके बाद से हमें मंदिर जाना है। तो मैंने अब तक नाश्ता बना लिया है, मेरे हस्बैंड नाश्ता करके अब ऑफिस चले गए हैं। तो अब मैं बच्चों को तैयार करूँगी। अब ये पीहू पूजा करने जा रही हैं क्योंकि ये अब नहा चुकी हैं, तो ये पूजा कर लेंगी, अपनी विश मांगेंगी, उसके बाद से मैं भी तैयार होती हूँ, फिर मुझे बेटे को भी तैयार करना है, उसके बाद से हम तीनों मंदिर जाएंगे। तो मैं पहले भगवान को यहाँ घर पे प्रसाद चढ़ा देती हूँ, पूजा कर लिया है मैंने, अब इनको भी मैं तैयार कर लेती हूँ, मेरे छोटू बेबी को। तो इनको भी मैंने तैयार कर लिया और अब हम जाएंगे मंदिर। बहुत शैतानी करता है ये, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनता है, आज तो थोड़ा बहुत आराम से कर ले रहा है। तो अब ये तैयार हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं मंदिर। तो पूजा आज कर रही हैं पीहू, कोई भी दिन आज तो फ़िलहाल खास दिन है, तो आज तो पूजा से शुरुआत करना बनता है। तो घर के सामने मंदिर है, तो मैं इन्हें मंदिर ले आई हूँ। वैसे तो हम हर साल मंदिर जाते ही हैं, हर साल तो इनके पापा भी आ जाते हैं मंदिर, लेकिन इस साल थोड़ा काम जल्दी था, चले गए हैं, तो हमने उन्हें रोका भी नहीं है। तो मैं बच्चों के साथ आई हूँ मंदिर, तो अब उन्होंने पूजा पाठ कर लिया है दोनों ने, तो अब हम आ गए हैं घर, और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता इन लोगों के लिए। तो नाश्ते में मैंने बनाया है पूड़ी सब्जी, और मीठे में मैंने पुआ बनाया है। ये देखिए, मैं पुआ भी बना रही हूँ। तो बच्चों को अब भूख लग गई है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है नाश्ते में। आज सुबह में तो बहुत सारा काम पड़ जाता है, कि इतना पड़ जाता है कि दिमाग नहीं काम करता कि कैसे कैसे करूँ। तो ये अब मैंने नाश्ता लगा दिया है इन लोगों का, नाश्ता करा दूँगी इन्हें पहले मैं। तो आज सबसे पहले मैंने पीहू को नाश्ता दिया क्योंकि आज ये स्पेशल हैं, और मैं अपने लिए अब चाय बना रही हूँ, और बच्चों को मैं मिल्क शेक दे दूँगी, ताकि अब सुबह वाला जो नाश्ता है अब ये खा पी के रेडी हो जाएंगे। तो फिर मैं थोड़ी देर आराम करके फिर शाम की पार्टी की तैयारी में लगूँगी। तो
तो अभी घर का डेकोरेशन है, बहुत सारा खाना बनाना है सबके लिए, तो फिर अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम चाय के साथ स्पेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो जाऊँ और थोड़ी सी मुझे एनर्जी मिल जाए आगे के काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आराम करूँगी, लेकिन मैं आराम नहीं कर पाई क्योंकि मैं लग रहा था मैं आराम करूँगी तब तक मेरा कितना काम सारा हो जाएगा, तो मुझे नींद, मैं आराम नहीं कर पाई, मैं कंटिन्यू लग गई फिर से। तो ये मैं कुछ गुब्बारे और जितना डेकोरेशन हो पाएगा मैं कर लूँगी, उसके बाद से देखेंगे शाम को कैसे करते हैं। तो जितना हो पा रहा है मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि ये गुब्बारे फुलाने की वजह से सांस फूलने लगती है मेरी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये गुब्बारे फुला रही हूँ क्योंकि आज बिल्कुल कोई भी नहीं है, इनके पापा भी नहीं हैं घर पे अभी, तो बहुत सारा काम, ये सारी हेल्प डेकोरेशन वगैरह में तो वो कर देते हैं लेकिन आज तो कोई नहीं है करने के लिए, तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है ये सब कुछ। और बच्चे तो बस शैतानी कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं आज मुझे ये, तो ये मुझसे जितना हो पाएगा भी मैंने डेकोरेशन किया है और रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दूँगी। बेडशीट अभी मुझे चेंज करना है, तो अब मैं जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने, तो पहले मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ ताकि इधर सफाई का काम हो जाएगा, फिर मैं किचन में लगूँगी, क्योंकि किचन में लगने के बाद तो फिर इधर आने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं पहले ही बेडशीट वगैरह लगा दे रही हूँ, क्योंकि किचन में जाने के बाद मैं इधर नहीं कर पाऊँगी काम। तो ये मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिया, सारी चीज़ें इधर फ्रेश है। अब मॉर्निंग का काम तो हो चुका है, डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई हो गई है, तो अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो ये किचन में मैंने ये बड़े बड़े बर्तन जो अंदर रखे रहते हैं, जो मैं ये पार्टी वगैरह में ही निकालती हूँ जब ज़्यादा खाना बनाना होता है, तो ये ज़्यादा दिन से रखे हुए तो मैंने, मैं इन्हें अभी धुल के अच्छे से और सुखा लूँगी ताकि ये शाम को दिक्कत नहीं हो। तो अब मैं खाना स्टार्ट भी करने वाली हूँ, अभी दिन के 2 बजे हुए हैं, तो अभी मैं ये बर्तन वगैरह धुल के साफ़ करके अभी इसे इसमें सुखा के रख दूँगी। काम तो बहुत सारा पड़ता है अगर आप घर पे पार्टी रखते हैं तो, और सब कुछ अकेले आपको करना हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये पीहू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही हैं, वो कपड़े से बर्तनों को पोंछ के और सुखा रही हैं। ये देखिए मेरी बच्ची कितनी हेल्प कर रही है, मुझे इस पे बहुत दया आ रही है कि पर मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तो अब मैं सब्जी कट कर लेती हूँ, सब्जी काट करके रख लेती हूँ, जो भी टमाटर प्याज वगैरह जो भी तैयारी करनी है मैं वो तैयार करके रख लेती हूँ। तो अब ये देखिए मैं टमाटर प्याज काट रही हूँ क्योंकि मुझे शाम के सब्जी की तैयारी करनी है। तो सब्जी में मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ, मैं छोले बना रही हूँ और पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो ये टमाटर प्याज मैंने छोले और पनीर के लिए रखा है, लहसुन और ये हरी मिर्च, तो मैंने ये सारी सब्जियाँ कट कर रखी हैं। तो अब मैं किचन में, तो अब दोनों सब्जियां मैं एक साथ ही दोनों तरफ गैस पे मैंने चढ़ा दिए हैं बर्तन, दोनों सब्जियां एक साथ ही बनाऊंगी। छोले मैंने बॉयल करके रख लिए हैं और मैं अब उसे फ्राई करने के लिए प्याज टमाटर जो भी ग्रेवी तैयार करने के लिए कुकर चढ़ा दिया है। तो अब मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं जिसमें तेज़पत्ता है, खड़ी लाल मिर्च है और इसमें लौंग और इलायची है, तो ये और ये जीरा है, इसका पहले मैं तड़का लगा दूँगी और उसके बाद से मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। तो प्याज मुझे लाइट ब्राउन तक फ्राई करना है, तो ये देखिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ अभी, तो ये प्याज मैं फ्राई कर दूँगी पहले। और एक साइड मैंने पनीर के लिए कढ़ाई रखा है, तो उसमें ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं उसमें भी प्याज फ्राई कर रही हूँ पहले, दोनों एक साथ काम हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ता है इसमें क्योंकि मुझे जब सब अकेले करना है। तो अब ये देखिए मैं इसमें जो मैं छोले की ग्रेवी के लिए मैं इसमें लहसुन टमाटर और मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च भी थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। तो ये अब इसकी मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया, अब मैं मसाले बना लेती हूँ छोले के लिए। तो 2 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर और ये 1 चम्मच के लगभग मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी रेडीमेड जो मीट मसाला आता है वो मैं डालूँगी छोले में, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो अब ये देखिए ये मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ,
इसके छोले के लिए तो मेरा प्याज फ्राई हो गया है और जो मैंने पिसा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है, जो ग्रेवी मैंने ग्राइंड किया है, जो टमाटर तो वो मैंने डाल दिया है। और अब मैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल दूँगी। और अब उसके बाद से जब ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से, तो मैं इसमें उबले हुए छोले जो मैंने पहले से उबाल करके रखे हैं वो मैं डाल करके इसको अब कुकर में 2 सीटी मुझे लगाना है। तो ये हमारे छोले तैयार हो जाएंगे। और अब आ जाते हैं हम पनीर की तरफ। तो अब हम पनीर में क्या करेंगे कि जो हमें मसाले पनीर में डालने होते हैं ग्रेवी के लिए, वही चीज़ मैं डालूँगी पनीर में। तो ये देखिए, पीसे हुए मसाले मैंने लाल मिर्च डाला है, धनिया, जीरा और काली मिर्च, और थोड़े से गरम मसाले और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने। तो ये हम पनीर में ऐसे इसे करके इसमें डाल करके और अच्छे से इसको ऐसे मिला करके रख देंगे कुछ देर के लिए। इसे पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, जो भी मसालों का टेस्ट पनीर में आ जाता है वो अच्छा लगता है बहुत। और मैं थोड़ा सा रेडीमेड भी पनीर मसाला मैंने लाया है, वो भी मैं डालूँगी। और अब मैं शिमला मिर्च तैयार कर लेती हूँ, शिमला मिर्च कट कर लेती हूँ। शिमला मिर्च और खड़ा प्याज, जो मतलब बड़े बड़े पीसेज में जो प्याज कटते हैं वैसे मुझे काट के रखना है। अब ये बीच में मेरे छोले बॉयल किए हुए जो मैंने रखे थे वो अब मैं डालूँगी, क्योंकि अब मेरे छोले मसाले पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसमें मसाले में छोले डाल दिए हैं और मैंने कुकर बंद कर दिया है। 2 सीटी लगने के बाद मैं कुकर उतार दूंगी। और अब मैं कर लेती हूँ पनीर को फ्राई, जो कि मैंने टमाटर प्याज पहले फ्राई करके रख लिए हैं। तो अब ये मैं जो मुझे ये पनीर में डालने हैं, तो मैंने बड़े बड़े पीसेस में शिमला मिर्च और ये प्याज मैंने कट करके रखे हैं, हमें इसे भी फ्राई करना है। तो पनीर हमने फ्राई कर लिया है जो मैंने मसालों के साथ रखा था, तो वो पनीर मैंने फ्राई कर लिया है। और अब आती है प्याज और शिमला मिर्च फ्राई करने की बारी। तो अब ये प्याज को लाइट ब्राउन थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद से हम शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। तो ये पनीर हमारा फ्राई हो गया है, अब शिमला मिर्च और ये अनियन भी मैं फ्राई करके रख लूँगी। तो अब ये देखिए, जो मैंने पहले जो टमाटर और प्याज लहसुन मिर्च जो मैंने फ्राई करके रखा था पनीर के लिए, तो अब ये मेरा ये ठंडा हो गया है। अब इसको मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। तब मेरी इसकी अच्छे से प्यूरी तैयार हो जाएगी जो मुझे पनीर में डालना है। तो अब ये हमारा शिमला मिर्च और प्याज भी फ्राई, तो ये देखिए हमारी प्यूरी भी तैयार है और हमारी सब्जियां भी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम कुकर लेंगे और कुछ खड़े मसाले लेंगे। तो ये मैंने एक कुकर लिया, उसमें तेल डाला मैंने, और अब मैं कुछ इसमें खड़े मसाले डालूँगी, फ्राई कर तड़का लगाऊँगी। और उसके बाद से जो हमने प्यूरी तैयार की है उसे हम डाल देंगे, और जो हमने मसाले बना रखे हैं अब मैं उसे डालूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये हमारे मसाले हैं जो इसमें मैंने पनीर मसाला और अलग से जीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर हमने डाला है और लाल मिर्च डाला है हमने। तो अब हम स्वाद अनुसार हल्दी और नमक डाल लेंगे। तो हमने अब हल्दी और नमक डाल लिया। अब इसे अच्छे से चलाते हुए अच्छे से मसालों को फ्राई कर लेंगे, जब तक कि हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। और अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसे ढक कर छोड़ेंगे ताकि अच्छे से, और लो फ्लेम करके थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे ताकि हमारे अच्छे मसाले अच्छे से पक जाएं। तब तक मैंने आटा भी निकाल लिया है अब, और अब मैं बीच में ले रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि मेरे बच्चे को अब लग गई है भूख और लंच का टाइम हो गया है, जो कि 4 बज गए हैं, जो कि लंच का टाइम अब लेट हो चुका है। तो ये अब रोना स्टार्ट कर दिए थे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं इन्हें अब थोड़ा सा खिलाने के बाद मैं किचन में आ गई। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं मेरी मसाले अच्छे से, तब तक फ्राई हो गए थे, तो अब मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसमें मैं डालती हूँ सारी सब्जियाँ। और ग्रेवी के लिए हमने पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया। और अब मैं इसे 1 सीटी लगाऊंगी कुकर का, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें फ्राई करके ही मैंने डाली है।
तो अब हमारा पनीर तैयार हो जाएगा, तब तक मैं आटा ले लेती हूँ। अब ये देखिए ये कौन आ गया, ये हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं। तो अब हमारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए। तो ये ट्विंस बेबी जो मेरी सिस्टर के बेबीज़ हैं, ये फर्स्ट टाइम मेरे घर आए हैं, तो अब इनका मैं पहले वेलकम कर लेती हूँ। और बहुत मुश्किलों के बाद 6 साल बाद मेरी सिस्टर को बेबी हुआ है, तो ये लोग फर्स्ट टाइम मेरे घर आए हैं, तो इन लोगों को मैं टीका वगैरह लगा देती हूँ और कुछ शगुन डाल देती हूँ। तो ये मैंने इनका वेलकम कर लिया। मैं बहुत अच्छे से तो आज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी पार्टी की भी भीड़ है, तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना हो पा रहा है मैं कर ले रही हूँ। तो ये लोग हमारे पहले गेस्ट हैं और मैंने इन्हें थोड़ा सा मीठा लगा दिया इसके मुंह पे। तो मैं बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम ये बेबीज आए हैं मेरे घर। तो मैं ये ट्विंस बेबी के रूटीन क्या होते हैं और किस तरीके से इन्हें पालना कितना मतलब मुश्किल होता है, तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ इनका डेली रूटीन भी एक दिन का मैं शेयर कर पाऊँ। मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कर पाऊँ, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये पूरी रात जगे रहते हैं, पूरे दिन सोते हैं, तो इनके लिए पूरे 24 आवर्स उठना पड़ेगा, तब जा कर के इनका डेली रूटीन शूट हो पाएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो क्लिप करके आपको ज़रूर दिखाऊँ इनका डेली रूटीन। तो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ये ज़रूर करूँगी। तो हमारे सभी गेस्ट आ चुके हैं और हमारी पार्टी हो गई है अब स्टार्ट। तो ये देखिए केक कट करने की तैयारी हो रही है और बीच में हमारा हम लोगों का फ़ोटोशूट भी हो रहा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट जब तक ना हो तब तक पार्टी क्या। तो इनके पापा फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं इनकी केक कटिंग वाली। तो अभी ये बीच में मेरे बेबी आ गए, छोटू बेबी। तो इसने कैंडल पहले ही फूंक दिया पीहू का, बहुत से तनी कर रहा है आज ये, और ये आज नाराज है कि आज मेरा भी बर्थडे क्यों नहीं है। तो अब ये केक कट कर दिया पीहू ने, सब क्लैपिंग कर रहे हैं। तो केक कट हो चुका और अब मैं इन्हें केक खिला रही हूँ। मेरी बच्ची आज बहुत ज़्यादा खुश है, वो अपने बर्थडे वाले दिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, और मैं भी भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान हमेशा ऐसे ही मेरी बच्ची खुश रहे। तो अब केक काटना है, अब ये देखिए इनको भी केक काटना था और सारे बच्चे ये कैप लगाना भूल गए थे, तो ये बाद में इन सब ने कैप लगाई है, क्योंकि बच्चे जब आ जाते इतना हौच पौच सा हो जाता है। और ये हमारे सारे गेस्ट हैं। तो अब केक कट हो चुका है, अब फोटोग्राफ्स में दिखाती हूँ आपको, कुछ पिक्स दिखाती हूँ। ये देखिए ट्विंस बेबी की पिक्स थी और ये मेरी पीहू की पिक्स थी, ये मेरी पूरी फैमिली है और ये सारे इनके फ्रेंड्स और सारे बच्चे हैं। तो दोस्तों हमारी पार्टी हो गई है ख़त्म, और ये थी हमारी पीहू की बर्थडे पार्टी का जो मैंने ब्लॉग बनाया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और घर पे पार्टी करना कितना मुश्किल होता है और कितना अकेले अरेंजमेंट करना कितना मुश्किल होता है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने अकेले कैसे सब कुछ मैनेज किया। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरी पीहू को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आज इसका बर्थडे था। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई फॉलोअर्स एंड